से प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कहानी, कहानीकार, हिंदी पढ़ने की विधा, प्रमुख कृतियाँ, ये सब होते हैं। तो इसे मैंने डाटा के रूप में यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया है, समय को बचाते हुए चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है पाठ का नाम, इसके बाद लेखक का नाम, इसके बाद हिंदी की विधा। विधा समझ रहे होंगे किस तरीके से पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, एकांकी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, कविता, कथा, यात्रा वृत्तांत, ये सब विधा होती है। और ये है लेखक की प्रमुख कृतियाँ। अगर ये इतना कंप्लीट कर देते हैं तो बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आप टेकअप कर लेंगे, जो कि हमेशा ही आया करता है। तो चलिए देखा जाए, पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। और ये जो पाठ है ये हिंदी पढ़ने की विधा में निबंध होगा, निबंध है। और भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये इनकी एक कृति है। अब यहाँ दूसरा विष के दांत लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा, विधा है कहानी और इनके द्वारा लिखित है, लिखित कृति है दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास दर्शन। तीसरा पाठ है भारत से हम क्या सीखें, ये मैक्स मुलर का लिखा हुआ है और ये विधा के रूप में भाषण है और मैक्स मुलर द्वारा लिखित कृति है। हितोपदेश, मेघदूत, कठ और केन का उन्होंने अनुवाद किया है। अब चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, ये ललित निबंध है, लेखक की कृति अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा। इस तरह से नागरी लिपि गुणाकर मूले द्वारा लिखित है और यह विधा के रूप में देखा जाए तो निबंध है। यहाँ गुणाकर मूले द्वारा लिखित कृति है अक्षरों की कहानी, नक्षत्र लोक। यहाँ है बहादुर, ये अमरकांत द्वारा लिखित है, यह एक विधा के रूप में इसे हम कहानी कहेंगे, कहानी है। देश के लोग, मौत का नगर, ये अमरकांत द्वारा लिखित कृतियाँ हैं। तो इस तरह से सातवां पाठ है परंपरा का मूल्यांकन, ये राम विलास शर्मा द्वारा लिखित है और यह निबंध है। इनकी मुख्य कृति है भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग। आठवां नंबर जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये रश्मि वाजपेयी द्वारा लिखित है, ये साक्षात्कार है, हबड़ाना नहीं है। देखिए रणनीति से हम लोग तैयारी करें, प्रश्न पूछता कैसे है, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। अब चार नाम दे देगा, भीमराव अंबेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हम उसमें लिखेंगे भीमराव अंबेडकर, ऐसे ही प्रश्न बनेगा। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी की कौन सी विधा है, तो यहाँ है निबंध, चार ऑप्शन दिया रहेगा तो हम निबंध पर चिन्ह लगाएंगे। अब दिया रहेगा प्रश्न भीमराव अंबेडकर द्वारा एक कृति लिखें अथवा निम्नलिखित में से ये कृति दे देगा किसकी है, और ऑप्शन रहेगा तो भीमराव अंबेडकर पे हम निशान लगाएंगे। तो ये जो डाटा हमने यहाँ पर अभी कलेक्ट किया है, अभी और आगे देने वाला हूँ, से बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर लें। इसमें से प्रश्न फाइनल है, श्योर है कि आएगा ही, और एक नहीं एक से अधिक प्रश्न इससे आएगा। तो नौ नंबर है आविन्यो, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी, यह विधा है यात्रा वृत्तांत और अशोक वाजपेयी की दो कृति है, एक पतंग अनंत में और तत्पुरुष। अगला चैप्टर है 10 नंबर मछली, जिसे विनोद कुमार मिश्र ने लिखा है और यह कहानी विधा है, दो विनोद कुमार मिश्र के दो कृति हैं पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। इस तरह से 11 नंबर नौबत खाने में इबादत, यतीन चंद्र मिश्र द्वारा रचित है, यह विधा के रूप में देखा जाए तो व्यक्ति चित्र है और यतीन चंद्र मिश्र की दो कृतियां हैं यदा कदा और गिरजा। इसके बाद अंतिम है 12 नंबर शिक्षा और संस्कृति, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। ये हिंदी की विधा की बात करें तो या तो संस्कृति होगी या शिक्षा शास्त्र होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा। और महात्मा गांधी की दो कृतियाँ जो कि इस एनसीईआरटी बुक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो वर्णन है, हिंद स्वराज्य
और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये हुआ गद्य खंड का कवि का नाम, फिर है पाठ का नाम, फिर है हिंदी की विधा। तो इसमें हिंदी की विधा में सब में कविता ही होगा। फिर यह है लेखक की प्रमुख कृति और यह है काल। काल मतलब किस समय से या किस तरह की वो अपनी कविता लिखते हैं, ये है। तो चलिए आइए देखा जाए। पहला है गुरु नानक, पाठ का नाम है, पहला पाठ है और पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जो नर दुख में, ये है, ये कविता है। लेखक की प्रमुख कृति अर्थात गुरु नानक की प्रमुख कृति है जपू जी और साहिला, ये भक्ति काल के हैं, ये याद रखिएगा। फिर है रसखान, पाठ का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका, कविता है और इनकी प्रमुख कृति है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इसके बाद ये भी भक्ति काल से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है रसखान की एक कृति का नाम लिखें या सुजान रसखान किनकी रचना है, ये चार ऑप्शन दिया रहेगा। तो बहुत तरह से ये जो यहाँ पे आपको डाटा दिखाया जा रहा है बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अब है घनानंद, पाठ का नाम है अति सुधो स्नेह, ये कविता है, इनकी मुख्य कृति है विरह लीला और प्रेम पथिक, ये भी भक्ति काल से संबंधित है। तो ये तीन जो है ऊपर के ये भक्ति काल से अभी है। फिर है प्रेमधन, कवि का नाम है प्रेमधन, ये पाठ का नाम स्वदेशी, कविता है और इनका इनकी रचना है प्रेमधन और सर्वस्व, ये आधुनिक काल से संबंधित है। पांचवा सुमित्रा नंदन पंत, रचना है भारत माता, कविता है, इनकी मुख्य कृति है पल्लव युग वाणी और ये छायावाद से संबंधित है। अब है छठा नंबर रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने जनतंत्र का जन्म लिखा है, विधा है कविता और इनके द्वारा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कृति है रश्मि रथी और हुंकार, ये आधुनिक काल से संबंधित है। अब वात्स्यायन अज्ञेय, इसमें लेखक की प्रमुख कृति में इनकी प्रमुख कृति है हरी घास पर क्षण भर और ये प्रगतिवाद से संबंधित है। तो यहाँ है कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या, इन्होंने लिखा है कविता के रूप में लिखा है तो विधा है कविता और कुंवर नारायण की मुख्य कृति है चक्रव्यूह और आगंतुक, ये आधुनिक काल से संबंधित है। एक दो छूट गया हो तो कोई बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ आठ है अभी चार और मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। नौ नंबर है वीरेन डंगवाल, ये कवि हैं, इनकी रचना है हमारी नींद, मतलब पाठ का नाम है हमारी नींद और विधा तो सभी कविता है अब इसमें कहना नहीं है। लेखक की प्रमुख कृति, इनकी प्रमुख कृति है इसी दुनिया में और ये आधुनिक काल से संबंधित है। अगला है दस नंबर अनामिका, इनके द्वारा पाठ में लिखा गया ज्ञान अक्षर कविता है और इनकी प्रमुख कृति है गलत पते की चिट्ठी और ये भी आधुनिक काल से ही संबंधित है। ग्यारह नंबर है जीवनानंद दास, इन्होंने हमारे पाठ में जो पद है कविता जी लिखा है लौट कर आऊंगा फिर, इस नाम से लिखा है, पाठ का नाम है लौट कर आऊंगा फिर, यह कविता है और इन्होंने महापृथ्वी और वनलता सेन, ये दो प्रमुख कृति इनकी है और ये भी आधुनिक काल से ही संबंधित है। बारह नंबर है रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु, इन्होंने लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु, पाठ का नाम है कविता है और इनकी मुख्य कृति है लॉरेंस सेक्रीफाइस और ये भी आधुनिक काल से ही संबंधित है।